प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत 6 राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। राज्य में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले आए सामने। और नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल बिहार समेत देश के 6 राज्यों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों के बीच बाढ़ की स्थिति में बेहतर समन्वय पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों में 74,40,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से सबसे अधिक दरभंगा में 10 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिमी चंपारण में 4, मधुबनी में 3, सारण में 2 और समस्तीपुर तथा सहरसा में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल कोसी और गंडक बैराजों का डिस्चार्ज लगभग 2.25 लाख क्यूसेक के आसपास रहा। नेपाल में हुई अधिक वर्षा को डिस्चार्ज बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है, लेकिन इनमें से अधिकांश का जल स्तर घट रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट। राज्य में बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। 74 लाख से अधिक की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। 12,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और सामुदायिक रसोई के माध्यम से 9.5 लाख लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। बिहार की एक नदी है कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सहरसा जिला कोसी नदी की बाढ़ की चपेट में है, जहां अकेले नौहट्टा प्रखंड के करीब 88,000 लोग इस बार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिले के लोग हर साल कोसी की प्रलय झेलते हैं। नौहट्टा के अलावा महिषी, सिमरी, बख्तियारपुर और सलखुआ प्रखंड की स्थिति भी खराब है। हर तरफ बेसरो सामानी है। लोग खानाबदोशों की तरह अपना बचा खुचा सामान लेकर तटबंधों पर शरण ले रहे हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है नौहट्टा प्रखंड की केदली पंचायत की, जहां कोसी नदी अपने आक्रामक रूप में है और इस पंचायत में बसे लोगों के घर और जमीन को अपनी आगोश में समेटती जा रही है। लोग किसी तरह नाव से अपने बचे हुए सामानों को लेकर कोसी बांध पर शरण ले रहे हैं। इन्हें डर है कि जब कोसी का पानी उतरेगा तो उनके बचे खुचे सामानों और घरों को भी बहा ले जाएगा। सलखुआ प्रखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां बाढ़ प्रभावित लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। महिषी प्रखंड में तो बाढ़ आश्रय स्थल ही बाढ़ में घिरा हुआ है। बाल बच्चा का मना कपड़ा लता सब भस गले, घर भी पानी में गिर गले, आगू में कोसी किनारे एकदम कटे छे। सहरसा में 4 प्रखंडों की 33 पंचायतों में 3,36,000 से अधिक की आबादी प्रभावित है, जबकि इसके पड़ोसी जिले मधेपुरा में 2 प्रखंडों की 23 पंचायतों में 2,47,000 की आबादी कोसी का प्रकोप झेल रही है। समस्तीपुर जिले के मोरबा और सराय रंजन प्रखंडों के करीब 10 गांवों में
नून नदी का पानी फैल जाने से जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिले में कोसी, कमला, करेह और बागमती नदियां अभी भी उफान पर हैं, जिसके कारण जिले के कल्याणपुर, बिथान, सिंधिया और हसनपुर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। समस्तीपुर जिले की 39 पंचायतों के 107 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरा उत्तर बिहार इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। यहाँ के लोगों की ये नियति बन गई है, हर साल बाढ़ झेलना और फिर से उठ खड़े होना। सरकारी मदद मिले या न मिले, इनकी संघर्षशीलता इन्हें फिर से उठ खड़ा करती है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 82,741 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 402 रोगियों की पहचान हुई है। वहीं बेगूसराय में 171, बक्सर 169, वैशाली 149 और पूर्वी चंपारण में 141 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। कि कल तक 1267 था, आज वो थोड़ा घटकर 1239 हो गया। जो सामुदायिक रसोई में खाना खाने वालों का भी संख्या स्लाइटली डिक्रीज होके 5000 कम हो गया, आज के दिन में 940,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पटना एम्स में कोविड-19 से संक्रमित जरूरतमंद मरीजों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराने की पहल की है। इस संबंध में नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर श्री चौबे ने पटना एम्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल ये दिल्ली एम्स में उपलब्ध है। रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन है जो नसों के जरिए दिया जाता है। कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर केवल अस्पताल आपातकाल में प्रायोगिक इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया गया है। समझा जाता है कि इसके इस्तेमाल से गंभीर मरीजों के इलाज की अवधि कम होने में सहायक होगी। श्री चौबे की पहल पर पटना एम्स में रेमडेसिविर के स्टॉक उपलब्ध होंगे। नो मेंस लैंड से सटे नरसई इलाके में नेपाल की ओर से हेलीपैड का निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। ये स्थान पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के भारतीय सीमा से सटा हुआ है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद और तल्खी बढ़ी है। सीमा पर बढ़ी गतिविधियों को देखते हुए SSB और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। SSB के 21वीं वाहिनी के सेनानायक राजेंद्र भारद्वाज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीमा पर गतिविधियों की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। हमारे व्यूपी ठारी के ऑपोजिट में गंडक पार में जो इलाका है नरसाही का, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, विवादित क्षेत्र है, वहाँ पर एक नेपाल द्वारा एक हेलीपैड निर्माण के लिए टेंडर फ्लोट किया गया है, जो कि टेंडर एक्सेप्ट भी हो गया है, लेकिन अभी कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी महीना भर पहले, जो कि हमने अपने हायर हेडक्वार्टर्स को दे दी। नीति आयोग द्वारा घोषित बिहार के आकांक्षी जिलों में खगड़िया जिला भी शामिल है। कृषि, स्वास्थ्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र में नीति आयोग की डाटा रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट। नीति आयोग ने बिहार के 6 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है, उनमें खगड़िया भी शामिल है। आकांक्षी जिलों का आकलन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पोषण, स्किल डेवलपमेंट और आधारभूत संरचना के आधार पर किया जाता है। हाल ही में नीति आयोग ने अपने आकलन में सामाजिक,
आर्थिक और आधारभूत संरचना के आधार पर खगड़िया जिला को देश का प्रथम जिला घोषित किया है। कृषि क्षेत्र में मक्का उत्पादन में खगड़िया अग्रणी जिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जिले में प्रगति से घरों को छत उपलब्ध हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में कई स्तर पर प्रगति हुई है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं विद्यालय की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया को प्रथम स्थान मिलने पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष संतोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने कृषि, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आगे भी काम करने की ज़रूरत है। बात नहीं है कि हम लोग पूरे देश में नंबर वन हो गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन विगत 4-5 महीनों में फरवरी से लेकर मई तक में जो कार्यकलाप हुए हैं उसमें देश में हमारा सर्वाधिक काम है। मेरी अपेक्षा होगी कि इसको हम लोग धरातल के उत्पादन और अन्य जितने भी पैरामीटर्स हैं, खासकर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, कृषि आधारित राज्य है और खगड़िया भी कृषि आधारित जिला है मुख्य, तो इन सारे पैरामीटर्स को भी हम लोग अव्वल लाने का प्रयास करेंगे और यथासंभव जो भी हमारे स्तर से किया जा सकता है सुनिश्चित रूप से हम लोग करेंगे। नीति आयोग ने खगड़िया सहित औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर और बांका को आकांक्षी जिला घोषित किया है। इन जिलों में जिला प्रशासन की ओर से सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना की दिशा में किए जा रहे कार्यों से आम लोगों को लाभ मिल रहा है। खगड़िया से शशिभूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। रेलवे ने सोशल मीडिया में चल रहे उस विज्ञापन को फर्जी बताया है जिसमें अविस्ट्रॉन इन्फोटेक द्वारा रेलवे में 11 वर्ष के अनुबंध पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगने की बात कही गई है। पीआईबी ने एक ट्वीट में इस विज्ञापन को पूरी तरह गलत बताया है। अभ्यर्थियों से ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आने की अपील की गई है। पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के जगमाल बिघा गांव के अभिषेक कुमार ने 53वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। अभिषेक कुमार की सफलता पर गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। और अब अंत में इस बुलेटिन की सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत 6 राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। राज्य में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले आए सामने। और नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ।